जब तक हमारी डो रेस्ट पे है हम तब तक ग्लेज बना लेंगे। ये हम तीन कलर का बनाएंगे, एक हम वाइट ही रखेंगे, दूसरा हम पिंक कलर में रखेंगे और तीसरा हम चॉकलेट कलर में रखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं चॉकलेट कलर का। इसके लिए आपको चॉकलेट की ज़रूरत भी हो सकती है, मतलब आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास चॉकलेट है आप चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर ऐड करें, क्योंकि मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही कम बजट में बन जाएगी। अगर आप चॉकलेट यूज़ करते हैं, आपके पास है तो आप कर लें, और अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर यूज़ करें, दोनों की सेम ही लुक आएगी। ये तकरीबन हाफ हाफ कप हमने इसमें शुगर पाउडर लिए। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून। इसी तरह हम 1 टेबलस्पून और ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो हम घर में रेगुलर मिल्क यूज़ करते हैं वो हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हम थोड़ा सा हम उसको ना, मैं आपको दिखाती हूँ किस फॉर्म में रखना है, ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा होगा। ये देखिए चॉकलेट में आपका ग्लेज रेडी है। कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। इसमें मैंने हाफ कप शुगर ऐड की है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून ही रेगुलर मिल्क इसमें ऐड किया है। चलें जी ये रेडी है, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद हम जो तैयार करेंगे वो है वाइट कलर। उसके लिए हमें सेम वही हाफ कप शुगर चाहिए और उसमें हम सेम 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे मिल्क। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब नेक्स्ट जो हम तैयार करेंगे वो है पिंक कलर। उसके लिए हमें सेम वही हमें हाफ कप शुगर चाहिए, शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर नहीं है तो आपके पास घर में जो रेगुलर शुगर है आप उसको लें और ग्राइंडर जार में आप उसको ग्राइंड कर लें। पिंक कलर बनाने के लिए हम रेड कलर को थोड़ा सा ऐड करेंगे। वाइट शुगर है, वाइट और जब थोड़ा सा रेड ऐड होता है तो वो पिंक कलर बन जाता है। इसमें हमने रेड कलर ऐड किया और सेम वैसे ही हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। मिक्स करके इसमें 1/2 टेबल स्पून और ऐड करेंगे मिल्क। आप ये पिंक कलर डार्क भी रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं। अगर आप डार्क रखना चाहते हैं तो
तो आप रेड कलर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आप लाइट पिंक रखना चाहते हैं तो रेड कलर बहुत ही थोड़ा सा ऐड करें इसमें। तीनों कलर में हमारा ग्लेज रेडी हो चुका है, चॉकलेट कलर, पिंक कलर एंड वाइट कलर। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डोनट्स हमारे बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने खस्ता हैं। अब हमने जो इनके लिए ग्लेज रेडी करके रखा था, वन बाय वन हम इसके ऊपर लगाएंगे। लगाने से पहले आप कोशिश करें एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। डोनट्स की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वो आप देख लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने केक डोनट का मैंने आपको बताया था, इसकी पहचान ये कि इसकी एक साइड इस तरीके से थोड़ी सी टूट जाती है, जो प्लेन साइड होगी उसके ऊपर आपने ग्लेज ऐड करना है। इसको पकड़ के इस तरीके से एक साइड लगाएंगे, अच्छी तरह लगा के इसको हम यहाँ पे रख देंगे ड्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरा भी लेंगे, प्लेन साइड को लेके हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से सारी साइड्स पे लग जाए। इसके बाद हम वाइट लेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। इनमें से आपका जो फ्लेवर सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। इसी तरह हम दूसरा लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे वो चॉकलेट फ्लेवर लगाएंगे। सबसे मज़े का जो इसमें लगता है वो चॉकलेट ही लगता है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट चॉकलेट ही है। वाओ, इसी तरीके से आप इसको लगा के रख देंगे और इसको ड्राई होने देंगे। इसको थोड़ा टाइम देंगे सेट होने के लिए, ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes। बाउल मेरा छोटा है और डोनट का साइज थोड़ा बड़ा है, तो हम इसके लिए इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। इनको सेट होने का टाइम देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड करेंगे, स्प्रिंकल्स। बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, इससे एक तो आपके डोनट का कलर भी और मज़े का हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। आपने ड्राई होने का वेट नहीं करना, थोड़ा सा ये गीला हो तभी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना, ताकि ये इसके साथ ही चिपक जाए। अगर आप ड्राई के ऊपर लगाएंगे तो ये सारे नीचे गिर जाएंगे। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत मज़े का लग रहा है, वैसे वेट नहीं हो रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं वीडियो से पहले पहले इसको खा लूँ। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा है? ये जो लास्ट में है जिसके ऊपर मैंने ग्लेज अप्लाई नहीं किया, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये पसंद नहीं करते ग्लेज, ऐसी शुगर के बगैर खाना चाहते हैं,
तो उनको आप सिंपल भी दे सकते हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं फ़ौरन इसको खा लूँ। आप ये देख सकते हैं किस कदर खस्ता और सॉफ्ट है। आप इसको फ्रिज में रखें, और आपने अगर एक दिन फ्रिज में रखा है, आपके बच गए हैं, आपने खाया है, तो आप नेक्स्ट डे इसको गर्म करके माइक्रोवेव में खा सकते हैं। क्योंकि केक डोनट्स हैं तो ये केक की तरह ही है, ये सॉफ्ट नहीं होंगे, ये जैसे ऊपर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी आ जाता है ऊपर, ये उस तरीके से नहीं होंगे, ये क्रिस्पी ही रहेंगे। फ्रिज में रख के थोड़े से सॉफ्ट होंगे, आप इसको माइक्रोवेव करें तो ये गर्म होकर दोबारा से क्रिस्पी हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।